Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Mr. First-year class. I hope you will be fine. You are very good and you will enjoy your good health. Today, our lecture is starting from the lesson Playing in the Sky. It is the second lesson of your first book. That is compiled on short stories. It's your short story book, and you are reading your second lesson, and it is perhaps last part of your lesson. Please take your book and open your book at page 14. You should take lead pencil in your hand so that you may write the meanings of the difficult words and points and hints on your book. कहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपने छोड़ा था मेरा ख्याल है जी ये सॉरी पेज 13 है 13 पेज है लास्ट पैराग्राफ है पेज 13 लास्ट पैराग्राफ इसकी थर्ड लाइन के दरमियान से थर्ड लाइन के दरमियान से हमने स्टार्ट करना है जी लेट स्टार्ट And when you live on that kind of time, something goes back. ये पीछे बात हो रही थी थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं कंटिन्यू करते हैं एंड समथिंग इज लेस और वो बाबा ने कहा जी कोई और बात लेस He said, motioning for me to follow him to the upper end of the clearing. पिता आदमी के ऊपर वाले किनारे की तरफ अपने पीछे आने के लिए इशारा करते हुए उसने कहा किसने बाबा ने मुझसे कहा यू वांट टू अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच दिस कोरेट 10 कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे जब तक तुम 70 साल की उम्र को नहीं पहुंचोगे वो पूछ रहा था ना कि ये आपने जो अमूदी रास्ता क्यों लिया तो इसलिए वो कहता तुम्हें नहीं समझ आएगी तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम 70 साल की उम्र को पहुंच जाओगे और ये आपको पता है 70 साल किस तरह से बनते हैं 3 स्कोर एंड 10 एक स्कोर जो है वो 20 इयर्स का होता है और 3 स्कोर कितने के हो गए 60 के प्लस 10 तो इस तरह मिला के 70 इयर्स बनते हैं फिर कहता है कि आपको दीज ईयर जो टाइम इज बोरोड इस उम्र के बाद उस उम्र के बाद तुम्हारा जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारा दौरानिया है तुम्हारा जमाना है तुम्हारा वक्त है वो मुस्तार होता है यानी वो उधार पे होता है किसी भी वक्त वो वापस लिया जा सकता है यानी 70 साल के बाद किसी भी वक्त आपकी मौत वाकई हो सकती है ये बोनस है आपको जो मिलता है 70 साल के बाद जितनी जिंदगी आप जी लें ये समझ लें कि आपका बोनस है आप इसको कंटिन्यू करते हैं आगे नया लेक्चर एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम जब आप उम्र के इस हिस्से में रह रहे होते हैं समथिंग गोज बैक तो कोई चीज वापस चली जाती है कुछ वापस चला जाता है पीछे चला जाता है यानी आपकी जो पुरानी यादें हैं उसकी तरफ टाइम चला जाता है आप मैंने कल भी अर्ज कर रहा था कि जो भी बंदा थोड़ा बंदा होता है जो मनसीदा होता है उसके सामने फ्यूचर नहीं होता लिहाजा वो अपने माजी की बातें करता है माजी की बातें करता रहता है अपने कारनामे बयान करता रहता है कि व्हेन आई वाज यंग आई हैड टू सो मैं ऐसे कर देता था मैं वैसे कर देता था समथिंग गोज बैक कुछ पीछे चला जाता है समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो कुछ जो आपके सामने मैं बयान नहीं कर सकता यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड अप तुम उन मकामात की तरफ वापस चले जाते हो यानी इस उम्र में 70+ उम्र में तुम उन मकामात की तरफ वापस चले जाते हो जिनको तुम जानते थे और जिनसे तुम्हें प्यार था जिनसे तुम्हें प्यार था सीरियसली बेस्ट हो
ये देखो अमोदी पहाड़ी ढलवान, ये देखो अमोदी पहाड़ी ढलवान, स्टीप अमोदी हिल पहाड़ी स्लोप ढलवान, he pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. उसने कहता है राजी के ऊपर वाले किनारे से, कहता है राजी के ऊपर वाले किनारे से, वो कहता है राजी कैसा था, मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में, जो वैसे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ था, तो वो जो तो कहता है राजी का ऊपर वाला जो किनारा है, वहां से जो नीचे गहरी वादी उनको नजर आ रही थी, उनके सामने उनके नीचे जो गहरी वादी नजर आ रही थी उसकी तरफ इशारा करके कहा, उस गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहता सी द स्टीप हिल स्लोप, ये देखो अमोदी पहाड़ी ढलवान, कहते योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22 क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, तुम्हारी अम्मी और मैं, योर मदर एंड आई, तुम्हारी अम्मी और मैं, व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22 जब उसकी उम्र 19 साल थी और मेरी उम्र 22 साल थी, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इस पहाड़ के ढलवान को इकट्ठे मिल के साथ किया, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, तो हमने मिलके इस पहाड़ के ढलवान को साफ किया, क्लियर साफ किया, वी रेस गॉन बीन एंड पंप एंड जेल, हमने यहां पे गल्ला फलियां और कद्दू उगाए, हमने यहां पे गल्ला फलियां और कद्दू पंपकिन कद्दू उगाए, he continued उसने आवाज उसने बात जारी रखी, his voice rising with excitement उनकी आवाज खुशी से बुलंद हो गई, उनकी आवाज खुशी से बुलंद हो रही थी, उनकी आवाज खुशी से बुलंद हो रही थी, किनकी आवाज, बाप की, किसके बाप, जैस का, और ये बात कौन कर रहा है, ये जैस कर रहा है, जैस कर रहा है, he talked with his hands too उसने अपने हाथों से भी बातें की, अपने हाथों से भी बातें की, हाथों से कैसे बातें होती है, ये इसको कहते हैं जेस्चर्स, यूज ऑफ जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, यानी जब बंदा बात करते हुए हाथों से इशारे किनारे करता है तो ये बॉडी लैंग्वेज है, तो इस तरह वो कहता है कि उसने हाथों से भी इशारे बातें की, हम जब किसी क्लेवर शख्स, जब कोई होशियार शख्स होता है, तेज शख्स होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको मेंशन करते हैं, भाई वो तो बड़ा तेज है यार, वो तो हाथों से भी बातें करता है, वो तो आंखों से भी बातें करता है, आंखों से बातें होती जी जी होती, एक्सप्रेशन जो आंखों के जरिए एक्सप्रेशन हम शो करते हैं, जैसे हम ये यूं इधर उधर, ये क्या है, ये आंखों से बातें हो रही है, और जब हाथों को ऐसे करते हैं, इशारे देते हैं, जेस्चर्स शो करते हैं, तो ये भी तो बॉडी लैंग्वेज है, ये हाथों से बातें हो रही है, क्लियर, जुबान के साथ साथ हाथों से भी बातें होती है, दो वर्ड डेज, ओए दिन तो होते, दो वर्ड डेज, कौन कह रहा है, जस्ट अ बुक कहता दिन तो वो थे, यानी वो दिन बड़े मजे के थे, मतलब उसका कहने का ये है कि वो बड़े मजे के दिन थे, दिन तो वो थे, दिस वाज़न्ट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ऐसी जमीन नहीं थी, ये ऐसी जमीन नहीं थी कि किसी को बनाना पड़े, ये ऐसी जो जमीन उन्होंने बनाई थी, ये ऐसी जमीन नहीं थी कि किसी को बनाना पड़े, इट वाज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, ये तो पहले से यहां मौजूद थी जैसे खुदा ने इसको बनाया हो, ये पहले से यहां इस तरह मौजूद थी जैसे खुदा ने इसको बनाया हो, बनाई तो सारी है ना, बनाई तो सारी जमीन खुदा ने है, लेकिन वो स्पेशल थी जिसे कहते हैं कि खुदा ने बनाया हो, एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर द ट्रीज एंड बाउंड द बुश, और जो काम हमें करना था, वी हैड टू डू जो कुछ हमें करना था, वाज वो था टू क्लियर द ट्रीज, दरख्तों को साफ करना, एंड बाउंड द बुश और झाड़ियों को जलाना, जो काम हमें करना था वो दरख्तों को साफ करना और झाड़ियों को जलाना था, आई प्लॉट दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वाज अ प्लॉट, मैंने इस पहाड़ पर पहली दफा मवेशियों से हल चलाया, मवेशियों से हल चलाया, द फर्स्ट इट वाज अ प्लॉट, पहली दफा कभी चलाया गया, अगर इस जमीन पे पहली बार कभी हल चलाया गया
तो मैंने अपने मशीन से यहां पे सब चलाया, प्लॉट हर चलाया, कहते हैं मशीन एंड एस मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉप एंड एस और हमने पैदा किया मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न एक बैरल से ज्यादा गल्ला हमने एक बैरल से ज्यादा गल्ला ये 154 शायद ये इतने कुछ पाउंड होता है वजन उसे बैरल कहते हैं यूं सादा लफ्ज में यूं समझ लें कि देहात में जब गल्ला वो गंदम की कटाई होती है तो उसको गट्ठों में बांध लिया जाता है उसको पंजाबी जुबान में कहते हैं भरी भरी अपने बड़ों से पूछिएगा या देहात में रहने वाले बच्चों को पता होगा उसे कहते हैं भरी तो इसी तरह ये ना वो काट काट के मुट्ठी तो उनको इस तरह से ऊपर खड़े करके साथ लगाते जाना तो उसको कहा है बैरल और ये एक यूनिट है उसके भोजन की यूनिट है That's why I came back here. यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आ गया I went back to our youth. मैं अपने जवानी की यादों में चला गया I went back यहाँ आके यहाँ दोबारा आया ना भाई मेरे को पहले का था ना आप अपने बेटे को साथ लेके आए ना कहता है कि मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ पे आके अपनी जवानी की यादों में चला गया And this was the only land left by that was. और ये वाहिद जमीन थी जो उस जमीन जैसी थी जो पहले मैंने कहीं लगाई एंड जैस ही बैंड और उसने छोटी बीमारी और जैस रिगार्डलेस ऑफ माय थ्री स्टोरीज एंड टेन फिर जैस से कहता है बाबा जी ने छोटी मारी है जैस से कहता है और जैस मेरी 70 साल उम्र होने के बावजूद 70 साल उम्र के बावजूद आई प्लॉट इट मैंने इसमें हल चलाया प्लॉट इट विद द म्यूल मैंने इसमें खच्चर के साथ हल चलाया खच्चर के साथ म्यूल समझते म्यूल खच्चर आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क मैंने थोड़ी सी मदद के साथ सारा काम कर लिया इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हियर व्हेन आई ब्रॉट माय गन टू द फील्ड एंड टुक होम अ मेस ऑफ हॉस्पिटल्स एवरी इवनिंग इट्स लाइक द लैंड ये जमीन उस जमीन जैसी है ये जमीन उस जमीन जैसी है योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हियर जो तुम्हारी माँ और मैं यहाँ पे काश्तकारी करते थे फार्म हियर फार्म काश्तकारी करना खेती बाड़ी करना फार्म हियर व्हेन आई ब्रॉट माय गन टू द फील्ड जब मैं अपनी बंदूक लेकर मैदान में जाता था फील्ड में जाता था एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स और हर शाम फॉक्स गिलहरियों की काफी तादाद लेके घर आता था हर शाम गिलहरियों की काफी तादाद लेके घर आता था जब वो गिलहरियां खाते हैं ना तो बंदूक से शिकार करने जाता था और वो इतनी तादाद में गिलहरियां लेके आता था कि उनकी हांडी बन जाती थी खा लेते थे I looked at the vast mountains of below where my mother and father had formed. मैंने नीचे उस बहुत बड़े पहाड़ की ढलवान की तरफ देखा looked at the vast mountains of मैंने below where my mother and father had formed. उस बड़े पहाड़ की ढलवान के नीचे की तरफ देखा जहां पे मेरे अम्मिया अबू खेती बाड़ी किया करते थे And I could remember years later when they found this land. और कई सालों के बाद years later और कई सालों के बाद भी मुझे याद था जब वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे जब वो इस जमीन में काश्तकारी करते थे It was on this steep slope that my father must build the little wooden block. It was on this steep slope. यही वो अमूदी ढलवान थी यही वो अमूदी ढलवान थी जिस पर इट वॉज ऑन जिस पर माई फादर वॉन्स बिल्ड ए लिटिल वुडन प्लॉ मेरे अब्बू ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था यही वो जमीन थी जिस पर मेरे अब्बू ने मुझे छोटा सा लकड़ी का एक हल बना के दिया था हल समझते हैं जिससे जमीन को वो उलट पलट किया जाता है काटा जाता है That was when I was 6 years old. ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न
और वो मुझे अपने साथ खेत में ले जाते थे तो थिन कार छिदराई करने के लिए, तो थिन कार छिदराई करने के लिए, पतला कर, थिन के माने क्या होते हैं, पतला करना, पतला, और आम जुबान में इसे कहते हैं छिदराई। वो कैसे पतला किया जाता है, जो पौधे लगे हुए हैं वो गहरे होते हैं, इस तरह उनकी सही परवरिश नहीं हो सकती, तो फिर बाद में उनसे प्रॉपर फासले तक उनमें से जो इजाफे पौधे वो निकाल दिए जाते हैं ताकि बाकी जो बच जाए उनकी प्रॉपर परवरिश हो जाए, तो इस अमल को कहते हैं छिदराई, छिदराई। तो जब मैं 6 साल का था तो खेत में मुझे छिदराई के लिए ले जाते थे, जो मकई के पौधे थे ना उनको प्रॉपर फासला देने के लिए। I lost my little boy in a furrow and I cried and cried until he made me another plow. कहता है कि I lost my little boy, मेरा वो छोटा सा हल गुम हो गया, मैंने अपना वो छोटा सा हल गुम कर लिया कहाँ पे, इन अ फरो, एक सयाड में, सयाड समझते हैं जो हल चलाने से वो लकीरें पड़ जाती हैं ना, तो वो लकीर का जो गहरा हिस्सा है उसे कहते हैं सयाड, एक सयाड में मेरा हल गुम हो गया and I cried and cried, और मैं चीखता रहा बार बार चिल्लाया अंटल ही मेड मी अनदर प्लॉ, हत्ता कि उन्होंने मुझे एक और हल बना के दे दिया, हत्ता कि मेरे अबू ने मुझे एक नया हल बना के दे दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लॉ एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मुझे कभी भी उस दूसरे वाले हल से उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मैं पहले वाले हल से करता, लेकिन मुझे इस दूसरे वाले हल से कभी भी उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मैं पहले वाले हल से करता था। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप रिपीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।